श्री गोसाई जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1608 में इलाहाबाद के अडेल में हुआ था। आपके प्राकट्य के समय श्री गोसाई जी की कृपा पात्र कृष्णादासी ने कहा, मेरा गोकुलनाथ आया। तब से आपका नाम श्री गोकुलनाथ पड़ा, परंतु घर में सभी आपको श्री वल्लभ के नाम से पुकारते थे एवं आपके भक्त आपको श्री जी कहते थे। पुष्टि मार्ग में सभी को आपको माला तिलक के रक्षण हार के रूप में जानते हैं एवं भक्ति भाव से वंदन करते हैं। आप मेघश्याम वर्ण एवं मध्यम कद के थे, लंबा मुख, विशाल ललाट एवं सुंदर नेत्र थे। आपको विद्याभास के साथ खेलकूद में भी अत्यधिक रुचि थी। सभी कलाओं में आप प्रवीण थे। 16 वर्ष की आयु में आपका विवाह श्री पार्वती जी बहुजी के साथ हुआ। आपको 3 पुत्र श्री गोपाल जी, श्री विठल राय जी एवं श्री व्रज रत्न जी एवं 3 पुत्रियां थी। श्री गोसाई जी ने आपको श्री गोकुलनाथ जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया। गोकुल में जहां आप रहते थे वहीं निकट आपने मंदिर बनवाकर श्री ठाकुर जी को पधराया एवं सेवा करते थे। श्री गोकुलनाथ जी का सभी परिवारजनों पर अत्यंत स्नेह था। श्री गिरधर जी के लीला प्रवेश के पश्चात आप ही परिवार के मुखिया थे, अतः सभी आपको बहुत मान देते थे एवं सभी आपकी सलाह के अनुसार कार्य करते थे। विक्रम संवत 1672 में बादशाह जहांगीर को वश कर चंद्रुप नामक सन्यासी ने माला तिलक पहनने पर प्रतिबंध लगवा दिया था। तब आपने इसका कड़ा विरोध कर माला तिलक का रक्षण किया। 72 वर्ष की आयु में आप 49 दिन की विकट यात्रा कर बादशाह जहांगीर को समझाने कश्मीर पधारे। आपने कहा था, माला के मुतारिये जे आपी छे जगदीश, ए कौन माला के उतराव माला बांधी शीश, शीश जे बांधी छेते शीश साथे जाए, पढ़ाते करी माला उतारू एम केम करी थाए। अर्थात यह तुलसी जी की माला हम कैसे उतार दें, यह माला तो श्री जी ने दी है और वो कौन है जो माला जी को उतरवाए। अब तो यह माला जी शीश से बांध ली है, अगर यह माला जाएगी तो मेरा मस्तक भी जाएगा। अरे इस माला जी को कौन कैसे अपने हाथ से उतार सकता है। अथाक प्रयत्न करने के पश्चात भी जब जहांगीर नहीं माना तब आपने गोकुल को छोड़ दिया, परंतु माला तिलक को नहीं छोड़ा। आप 3 मास तक गोकुल छोड़कर सौरव गांव में विराजे। वर्षों तक सतत संघर्ष कर माला तिलक का रक्षण किया। बादशाह को अपनी भूल का आभास हुआ और जब उसने अपना आदेश वापस लिया तब आप पुनः गोकुल पधारे। आपकी 13 बैठकें विराजित है, इनमें से 8 बैठकें व्रज में, 2 गुजरात अहमदाबाद एवं गोधरा में, 1 सौरम जी में, 1 अडेल में एवं 1 कश्मीर में स्थित है। विक्रम संवत 1697 में माघ कृष्ण नवमी के दिवस 89 वर्ष की आयु में आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। वैष्णवों को आप इतने प्रिय थे कि तत्समय आपके प्रबल विरह में 78 वैष्णवों ने अपने प्राण त्याग दिए। 7 भाइयों में आप ही सर्वाधिक समय तक भूतल पर विराजित रहे। पुष्टि संप्रदाय के हितों के रक्षणकर्ता श्री वल्लभ के सिद्धांतों को वार्ता आदि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले श्री गोकुलनाथ जी का यह पुष्टि मार्ग सदा ऋणी रहेगा। ऐसे पुष्टि के यश स्वरूप वैष्णव प्रिय श्री गोकुलनाथ जी के प्राकट्योत्सव की अनेक अनेक बधाई।